आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष राय है। और ये जो दुकान है आपकी, कितने साल पुरानी दुकान है? 20 साल 25 साल हो गए। ये सब सुबह नाश्ते में खुलती है? नाश्ते के टाइम पे? नाश्ते सुबह से रात 9 साढ़े 9। अच्छा, पूरा दिन चलता है? पूरा था, पूरा दिन चलता है। शुरू करने से मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ। ये इनका, ये उस साइड में था पहले, तो वहाँ पे एक थिएटर हुआ करता था सूर्यगर करके, सूर्यगर थिएटर्स। तो सूर्यगर थिएटर्स का के साथ में ये था, इसके लिए इसका नाम भी सूर्यगर ही पड़ गया। तो उसके बाद अभी तो रिनोवेट सारा कुछ हुआ है, वो उसके बाद ये यहाँ पे आ गया, बट डिमांड उतना ही है। उन्होंने अलग अलग काउंटर्स बनाए हुए हैं, एक जगह पे मैदे की रोटी बन रही है, मैदे का पराठा बन रहा है, और एक तरफ इधर गेहूं का आपको रोटी बन रही है, रोटी बन रही है, और साथ में दो तरह की सब्जी है, एक बंदा गोभी जी, मतलब कैबेज की सब्जी है, और दूसरी आपके आलू और मटर जी, जो घुगनी बोल रहे हैं, घुगनी बोलते हैं उसकी सब्ज़ी है, और साथ में ये आपका दाल स्टफ पूरी है जी, जो दाल है इसमें मसूर की दाल, मसूर की वो दाल सब करके इसको फ्राई किया गया है जी। और मैं उसे बात कर रहा था, दोनों बताया कि इसमें सोडा नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी फूली हुई पूरी है जी। जी, शुरू करते हैं, किससे शुरू करें जी? इससे शुरू कीजिए सर, पूरी से जी। ये आपका मसूर की दाल स्टफ पूरी है। एक चीज़ देख रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट हाईली डिमांडिंग आउटलेट्स इन अगरतला, फिर भी क्वालिटी के साथ कभी सही, आप कह रहे हैं, बहुत खस्ता खस्ता पूरी बनी है, खस्ता पूरी बनी। और जो मिक्स सब्जी है वो भी, जैसे आप बंगाली में सब्जी बनती है ना, मिक्स वेजिटेबल, क्या बोलते हैं, घैट, घैट, वही जो फ्लेवर हमने पहले लिया था वही सेम स्वाद है इसका, घुगनी एंड घैट, जो हम पूरी सब्जी बोलते हैं जिसको, उसको हम यहाँ पे टिफिन बोलते हैं। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरी बात ये बताइए। ये एक्चुअली मैं जैसा कि वही उसी से कनेक्टेड है कि जो यहाँ के वर्किंग क्लास लोग हैं, तो उनके लिए लंच मतलब क्या, यही है टिफिन, मतलब जिसको हम लंच कहते हैं वो यहाँ पे टिफिन कहते हैं, कि चल कहीं पे कुछ टिफिन करके आते हैं या कुछ खा के आते हैं, उनसे बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं टिफिन करके आते हैं। दैट बिकेम सॉर्ट ऑफ ए अर्बन स्लैंग, दैट इज़ द रीज़न वाई ये टिफिन है। किसी सज्जन से ही बात कर रहा था, वो कहते हैं कि जो यहाँ पे बिल्डिंग्स बनती रहती हैं, जो वर्कर्स वहाँ काम करते रहते हैं, उनके लिए लोग पैक करा के ले जाते हैं, यही टिफिन है, दिस इज़ द टिफिन। अब यहाँ पे आप आओगे तो कोई एक या दो पैकेट भी लेगा, जिसको हम पोटला बोलते हैं यहाँ पे, एक पोटला दो पोटला, सो एज मच एज 60-70 पोटला भी लेके जाते हैं यहाँ पे, एंड दैट इज बेसिकली वो पोटला, दैट इज टिफिन। अब ये गेहूँ के आटे की रोटी खाता हूँ मैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो गेहूँ की आटे की रोटी है पूरे शहर में दो जगह में मिलती है, इतना अभी शायद, हाँ इतना अनकॉमन है, और मतलब डिमांड भी उसका कम है, और रोटी भी मिलनी तब शुरू हुई है जब बाहर के लोग आने शुरू हुए हैं यहाँ पे, और लोग बाहर रहना शुरू कर रहे हैं अगरतला के, उनको शायद रोटी की आदत लग गई, तब डिमांड आया यहाँ पे, ये तो चावल का ही डिमांड था। और जब whenever we talk about roti, this is not the roti we imagine, this is the roti we imagine. मैं देखा। तो ये गोल बाजार है जी, त्रिपुरा का सबसे बड़ा मार्केट है, और होलसेल मार्केट है बेसिकली, कोई भी गुड्स जब नेशनल हो इंटरनेशनल हो वहाँ से आते हैं, तो दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस इट विजिट्स। तो यहाँ पे सारा मैक्सिमम गोडाउन वगैरह वेयर हाउसेज वगैरह भी यहीं पे है। अगर जैसे शादी वादी का टाइम हो गया तो अगर वो करना है आपको, बाज़ार वगैरह करना है, तो दिस इज़ द पॉइंट यू हैव टू कम। एवरीथिंग यहाँ पे अगर कुछ नहीं मिलता है तो मोस्ट प्रोबेबली त्रिपुरा में नहीं मिलता है। और इस सीज़न में आपको फ्रेश गुड़ मिलेगा, वो भी खजूर गुड़ है ना, ये दोनों खजूर है, ये भी खजूर है, ये भी खजूर है, ये थोड़ा इसका है आपका गन्ने का, ये गन्ने का है, अभी गन्ने का है, लाली को वाह, बहुत गाढ़ा है, बहुत गाढ़ा है, टेस्टी है, दूध से खाएंगे ना बहुत मस्त है वो, मिलेगा नहीं किधर, इधर ही मिलता है। ये पीठा के सीजन में आपका लाली, दिस इज द साइड, जैसे आपको हम केचप लेते हैं ना, वैसे ही यहाँ पीठा के साथ हम लोग लाली लेते हैं। अगर मेरे से कोई पूछे ना कि त्रिपुरा का हेरिटेज मतलब चीज़ क्या है, दिस इज वन ऑफ दम। ये सीजनल है,
हाँ सीजनल है और बहुत रेयर है एक्चुअली, बनाता नहीं है कोई। अच्छा वाला दीजिएगा भैया, बताइए ये आप लोग गुड़ आता कहाँ से? इधर का ही है, सब लोकल मेड। त्रिपुरा में उदयपुर होता है, सुनामुरा होता है, अच्छा वाला क्वालिटी सब रूम में बनता है, वो अच्छा वाला क्वालिटी का होता है। और बाहर का जो आता है वो अच्छा क्वालिटी का आ नहीं सकता, वो ऐसे सीजन का सिर्फ होता है। और जो अच्छा वाला होगा तो आते आते पिघल जाएगा, वो सब डुप्लीकेट वाला इधर ही आता है, और अच्छा वाला क्वालिटी का इधर के मिलेगा। यहाँ पे जो चाय बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग था। यहाँ पे मिल्क पाउडर मिला के चाय बनाया इन्होंने, और मैं ये भी देखा था कि यहाँ पे जो चाय पत्ती है, जहाँ भी हमने चाय पी है वो बिल्कुल फुल दानेदार है। त्रिपुरा में आपका चाय का तो कल्टीवेशन होता है, आपने देखा है चाय पत्ती का बगान हर जगह में। उसके सिवाय से आसाम बहुत पास में है, तो इम्पोर्ट में बहुत क्वालिटी बहुत अच्छा मिलता है। मतलब ज़्यादातर देखेंगे ना स्ट्रीट पर जो चाय मिलती है वो बिल्कुल जो पाउडर हुआ टी पाउडर उससे चाय पकाते हैं। यहाँ प्रॉपर जो चाय हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये एक कह सकते हैं मार्केटिंग टेक्निक भी है, क्योंकि वो ये वाला जो पत्ती और इसका जो चाय है वो यहीं पे मिलेगा। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा बताइए इस डिश के बारे में कि ये जो डिश है डेड बॉडी, तो डेड बॉडी क्यों बोलते हैं? क्या है भाई? ये तो पूरी और हलवा लग रहा है मुझे। बस वही है, बट वही है। और इसका नामांकन डेड बॉडी कैसे हुआ? अच्छा, तो डेड बॉडी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो दोनों आइटम है, जो लूची और इसके अंदर का हलवा है, ये दोनों ही एक ऐसा आइटम है जो आपको वैसे मिष्ठान भंडार में जनरली एक इन्वेंट्री में नहीं होता ये। अब चूंकि नया इन्वेंट्री लाना पड़ा तो इसका बिकना बहुत इम्पोर्टेंट था, सो दैट इज़ वाई दे व्हाट इज़ द मोस्ट सबसे ज़्यादा अटेंशन क्या ग्रैब करता है? डेड बॉडी। सो दैट इज़ वाई द नेम डेड बॉडी अलॉन्ग विथ अ ह्यूमर, एक ह्यूमर है कि खाने के बाद एकदम डेड हो जाता है बॉडी, तो उस हिसाब से एकदम सुन हो जाता है कि इट्स लाइक इट्स सफाइसिंग ऑल्सो यू एंड न्यूट्रिशन वैल्यू भी है और टेक्निकली मिठाई नहीं है। नहीं अच्छा लगा मुझे उसकी जो लुची है बिल्कुल पतली है, क्रिस्प है, और अंदर से जो सूजी का हलवा है अच्छा खासा मीठा है जो बैलेंस कर जाता है फीकी लुची के साथ में जो स्वीट सुपर स्वीट हलवा है। और प्रॉपर सिर्फ चीनी डाल के सूजी को हलवे को बनाया गया, बिल्कुल सिंपल है डिश, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एंड दैट इज़ द पर्पस, ताकि इसका सेलेबिलिटी बढ़े, मेकिंग कॉस्ट आप उसका कम हो। आपका ये शॉप जो है गोपाल मिष्ठान भंडार, हाँ 1950 से यहाँ पे है। हाँ ऑलमोस्ट ऑफिशियली अगर पकड़ेंगे तो 1950 से है, मगर अनऑफिशियली और दो तीन साल पहले वो ओपन हुआ था। एक्चुअली मेरे जो दादाजी है वो फाउंडर है ये गोपाल मिष्ठान भंडार का, तो वो जो स्टार्ट किया था एकदम बेसिक एकदम ग्रासरूट लेवल से स्टार्ट किया था। पहले टी से स्टार्ट किए थे, उसके बाद छोटा छोटा समोसा, उसके साथ नमकीन, उसके बाद धीरे धीरे फिर मेरा जो दादाजी है वो माठा स्टार्ट किया था, मट्ठा जो दही का एक पहले वर्षन था। हाँ जो उस टाइम में जो मट्ठा जो ऑलमोस्ट 1950 उस टाइम में जब धीरे धीरे दादू मट्ठा स्टार्ट किए थे, तो उस टाइम में इतना अगरतला में इतना क्रेज़ हुआ था और ऐसा माना जाता था उस टाइम में जो मट्ठा उस टाइम में मिलता था या दादू जितना टाइम तक वो बनाते थे, मतलब पूरा ऑल ओवर, मतलब अगर इंडिया भी पकड़ेंगे तो उस क्वालिटी का बनता ही नहीं था, क्योंकि खुद का हाथों से वो काम सीख के खुद का हाथों से उठाता था। प्योर जो गाय का दूध उस टाइम में और प्योरिटी और ज़्यादा था, तो जो मट्ठा का क्वालिटी था उसके लिए ऐसा होता था सुबह 5 बजे दादाजी दुकान खोलते थे, उससे पहले ही 50 आदमी सुबह 5 बजे से पहले ही लाइन पे खड़े हैं। तो जैसे ही 5 बजे सुबह में दुकान खुला तो 40-50 आदमी मतलब एक लाइन बाय लाइन एक एक करके मतलब मट्ठा के लिए लाइन। तो उसके साथ एक फ्यूजन रहता था, मट्ठा थोड़ा सा माखन और थोड़ा सा चीरा, तो उसका एक फ्यूजन बनता था। तो सुबह सुबह हम लोग का जो आउटलेट था, मेन ब्रांच जो है हम लोग का गोल बाजार में है, वहाँ पर स्टार्ट किया था। तो वहाँ पर हम लोग का जो मट्ठा ये सब सुबह में चालू होता था, तो जितना भी वहाँ पर होलसेल मार्केट था बहुत बड़ा त्रिपुरा का, तो होलसेल मार्केट के लिए सब सुबह में आके वहाँ से सब ब्रेकफास्ट मट्ठा सब नाश्ता करके
फिर अपने अपने काम में निकलता था। तो वो एक रिच ट्रेडिशन था गोपाल मिष्ठान्न भंडार का इतना सालों से। फिर धीरे 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 दादू मतलब जितना भी प्रोडक्ट्स ऐड किया है अपने हाथों से, जो माखा संदेश एक फेमस था, मिल्क केक हम लोग का एक फेमस आइटम है, हम लोग का एक स्पेशलिटी खिरतुआ है, तो हर एक क्वालिटी का, हर एक डिफरेंट वैरायटी का हम लोग बनाते थे। और मतलब कोई भी ओकेशन में तो उस टाइम में मतलब मेरे जन्म से भी पहले दादाजी उस टाइम में, तो इतना क्रेज़ रहता था, दो तीन दिन पहले से ऑर्डर, जैसे छनार पायस ऐसा भी हुआ था, मतलब 400 किलो 500 किलो छनार पायस ऑर्डर एक ही दिन में हम लोग डिस्पैच किए थे। तो उसका एक बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, रिच हिस्ट्री है। चलिए हम लोग नोलेंगो रसगुल्ला खाते हैं। हाँ, ये विंटर का जो स्पेशल है हम लोग, विंटर स्पेशलिटी। और नोलेंगो है जो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आता है। हाँ, बहुत मतलब मैक्सिमम 2 to 3 months ये मतलब हम लोग को जो प्योर गुड़ का मिलता है। और उसमें भी क्या होता है, जैसे गुड़ रसगुल्ला बहुत जगह में बनता है, बाहर भी बनता है, हम लोग के पास भी बनता है, मगर हम लोग जो तरीके, हम जैसे आज देखे आप जो हम लोग प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंचेस हम लोग थोड़ा और जाते हैं। जैसे छेना का जो हम लोग मिक्सचर है उसमें भी हम लोग गुड़ को मिक्स करते हैं, और जो हम लोगों का जो शुगर सिरप बनता है उसमें भी हम लोग गुड़ मिक्स करते हैं। तो दोनों का मिला के जो एक गुड़ का जो एक फ्लेवर आता है वो मतलब एक आपको अभी पता चलेगा। ये आपका नोलेंगो रसगुल्ला है, वो ये फ्रेश वाला है, अंदर से एकदम लाल पका हुआ। दानेदार है, सॉफ्ट है, गुड़ का फ्लेवर का। ये है आपका नोलेंगूर छनार पायस। ये तो बिल्कुल रबड़ी में अपने डुबोया हुआ है, छोटी छोटी रसगुल्ली या फिर छेने की गोली, उसको दस्ते में डाल दिया और उसके बाद उसको सर्व करते हैं। तो छेना पायस बोलते हैं, लेकिन ये गुड़ के साथ, गुड़ के साथ है जो रस है इसका। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग फ्यूजन करते हैं, जैसे जो छोटा छोटा छेनार बॉल्स जो है वो छेनार बॉल्स भी गुड़ के साथ मिक्स करके ही हम लोग बॉल्स बनाते हैं। काफ़ी मिस्टी है, हाँ काफ़ी तेज मिठा है। और ये है हम लोग का अगरतला का ट्रेडिशनल खिरतुआ जो है, खिरतुआ, हाँ ये भी थिक खीर बनता है। काफ़ी, चलिए अभी गोल भरा संदेश, इसके अंदर में लिक्विड जैगरी है ना। अब क्या होता है वो, जैसे वो जल भरा जो बनता है, अब विद टाइम क्या होता है वो धीरे धीरे संदेश जो है सोख लेते हैं, और आपको गुड़ का फ्लेवर आएगा। बहुत अच्छा गुड़ का फ्लेवर। आप मॉडलिंग भी करते हैं? हाँ। तो मीठा खाते हैं कि? खाते हैं कभी कभी, हम लोग एक्चुअली क्वालिटी चेक करना पड़ता है, तो हर दिन कोई ना कोई प्रोडक्ट जैसे देख के लगता है, ये प्रोडक्ट चेक करना पड़ता है, चेक करते हैं क्वालिटी, तो उसके बाद अगर देखते हैं अगर उसको चेंज करना पड़ेगा तो हम लोग वो पूरा बैच को हम लोग चेंज करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा हमको हर दिन टेस्ट करना पड़ता है। वो हाँ, वो बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्कआउट करता हूँ, मेंटेन करता हूँ, और उतना सा शुगर कोई प्रॉब्लम है वो होगा नहीं। अगर वर्कआउट अगर करेंगे हर दिन, अगर आपका डाइट सही रहेगा, तो दिन में आप हाफ अगर स्वीट्स भी अगर टेस्ट करेंगे या एक स्वीट्स भी टेस्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। मिस्टी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, मतलब जो वैरायटीज खाई अभी अच्छी लगी। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। या थैंक यू सो मच। शॉप क्या है बताइए, हम लोग कौन से फूड कार्ट के पास खड़े हैं? हम लोग एडवाइज़र चुमनी में हैं अभी, और यहाँ पे बहुत फेमस है चिकन मोमो बंगोई, और ये साथ में लीजिए सूप। सूप ये सर, दिस इज द स्पेशल सूप जिसके लिए मैं यहाँ पे आपको बुलाना चाहता था। अच्छा, और मुझे नहीं मतलब इस चिकन का स्टॉक, बिल्कुल बिल्कुल, और जितना प्योरिटी आपको एक एक सिप में पता चल रहा है ना, वो पूरे शहर में मिलना काफ़ी टफ है। गले के लिए अच्छा है, दुकान के लिए भी अच्छा है। यहाँ के मोमो को जो अलग बनाता है जी, एक तो वो है चटनी। चटनी हर जगह पे खाने को मिलती है, लाल मिर्च की, यहाँ पे हरी मिर्च की चटनी है। दूसरी बात, जो चिकन मोमो है उसके अंदर में चिकन की स्टफिंग के साथ साथ पत्ता गोभी भी है, वो भी अलग है। आइए अब इन दोनों अलग को खा के टेस्ट किया। चीयर्स।
मोमो तो भालो है और उसके साथ ये कॉम्बो। और कितने रुपए का प्लेट देते हैं? 80 रुपए का 10 प्लेट। सूप बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी है, मोमो भी अच्छा लगा। मोमो में आप लोग पत्ता गोभी चिकन बराबर मात्रा में डालते हैं? कुदूर कुदू दो चिकन ना बेची दो ना ये डा बाद थोड़ा कम होता है केवीस और ऑनियन थोड़ा सा ज़्यादा होता है ताकि ज़्यादा हैवी ना लगे वो भी और डाइजेस्टेबल मार्केट में चिकन थोड़ा सा डाउन होते ज़्यादा दिखता है थोड़ा महंगा होना से थोड़ा कम दिखता है। ईमानदार है इसीलिए आए। बढ़िया चाट है। दो समोसा, खस्ता, आलू मटर का सब्जी, पापड़, ये सब मिला के सब सेब मूंगफली और केचप कब से डलना लगा है यहाँ पर चाट? हमारा यहाँ पर देते हैं शुरू से। शुरू से केचप नहीं डालने से कोई खाएगा नहीं। क्यों खाता नहीं? थोड़ा वो स्वीट टूथ का है यहाँ पे कि मीठा थोड़ा सा डालना। तो इमली की चटनी मीठा सकते नहीं है, वो खट्टा होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। आपका मीठा तीखा मसालेदार है तो वही वही वो ये कॉम्बिनेशन बहुत नहीं अच्छा। मीठापन थोड़ा होना चाहिए तो मुझे केचप के साथ थोड़ा अलग है। मतलब मैंने और कहीं हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा केचप के साथ चाट, पूरे इंडिया में नहीं देखा। कितना साल हो गया आपको चाट देखते हुए? 20 साल हो गया ये लोकेशन पे। हाँ ये लोकेशन पे मेरा दुकान का नाम है कोनिका चाट हाउस। और कितने बजे आते हैं आप यहाँ पे? यहाँ 1 बजे आ जाता हूँ, शाम को 10 बजे तक। पूरे अगरतला में चाट ऐसे ही बनता है? ऐसे ही बनता है, प्रोसेस है ये पे से बनता है। मैं जब मेरा दुकान था तो अगरतला में दुकान नहीं था, पहला चाट का दुकान आप ही लगाया? आप ही लगे, मैं ही लगाया। अच्छा मुझे सीख सीख के अलग अलग जगह पर बैठे हैं यही। तो ये बताया था मुझे कि पहले एक समय था कि दिन में आप और काम करते थे। हाँ और पहले और काम करता था, वो भी करता था ये भी करता था, अब वो छोड़ दिया, अब दुकान पे चलता है। पहले वो हाँ ठेला से चलाता था, चलाते थे। बहुत मेहनत की है? हाँ बहुत मेहनत की है। सारा मटेरियल घर से बना के लाते हैं? हाँ सब घर से बना के लाते हैं, समोसा पापड़ी सब्जी मटर सब सब घर से बना के लाते हैं और यहाँ ठेला लगाते हैं। लोकेशन कौन सा है, कौन सा जगह है? बरतला है। बरतला बरतला ऑटो स्टैंड। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे प्लेट में दिख जाएगा ये पाटी सप्टा है। दो तरीके का पाटी सप्टा है, एक गुड़ का स्टफिंग है जिसको हम कोंडा कहते हैं और एक खोया का स्टफिंग है। तो दोनों का टेस्ट अलग अलग है और उसके साथ सेकेंडली आपको मिल जाता है खोला पीठा या चितौल पीठा बोलते हैं इसको। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एंड द बेस्ट साइड डिश विद दिस इज लाली। अच्छा ये वाला जो नमकीन वाला है? हाँ इसके साथ लाली के साथ डिप करके वो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसे विंटर्स में बनाते हैं? ये विंटर्स में बनता है, ये मकर संक्रांति में जैसे ओनम में वहाँ पे कुछ स्पेशल डिश बनते हैं ना साउथ में, हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति में ये हम लोग पीठा बनाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नॉलेनगुर का पायस, ये भी विंटर स्पेशल है। ये भी विंटर स्पेशल है क्योंकि गर्म बहुत कर देता है, ये हैवी है और गर्म कर देता बहुत आपको। और पाटी सप्टा भी कोई फेस्टिवल में बनता है इसका भी कोई? सेम आपका जो मकर संक्रांति है उस टाइम पे ही पाटी सप्टा और खोला पीठा ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और जो पाटी सप्टा में आपने चावल सूजी और मैदा मिलाया है जी, इसके जो उसका जो बैटर बनाया था जी जी जी, इसमें सिर्फ चावल है? इसमें चावल है बस। चलिए पहले यही टेस्ट करते हैं आपका फेवरेट वाला। बिल्कुल सर, तो मिट्टी के बर्तन में पकता है? हाँ और आपने देखा होगा ये मिट्टी का बर्तन भी मतलब एक्सक्लूसिव है, इसी के लिए बना है। तो एक्चुअली बंगाली में बहुत जगह अलग अलग नाम है, एक ही चीज़ का अलग अलग नाम है, जगह का चेंज होने के और दूसरा नाम भी होता है इसका। तो एक्चुअली इसलिए इसका नाम है खोला पीठा। हम लोगों का एरिया में एक्चुअली ये बांग्लादेश का जो एरिया है जो जैसा है, हम लोग एक्चुअली कुमिल्ला एरिया का, तो हम लोग इसको खुला पीठा बोलते हो। जो साउथ का है मतलब नोआखाली फेनी वो लोग चितल पीठा बोलता है, तो वहाँ से एक्चुअली आया है। यहाँ त्रिपुरा में जो बंगाली है 90% माइग्रेटेड है,
त्रिपुरा का बंगाली कप ओरिजिनल यहाँ का नहीं है, सब बांग्लादेश से माइग्रेटेड है, तो जो भी आता है लैंग्वेज का जो भी टर्म वो वहाँ का है। तो उस हिसाब से बंगाली का बोलने का भी तरीका अलग अलग है। हम लोग जैसे बोलते हैं, हम लोगों को तो कोई देखने से हम लोगों को बोलते हैं हम लोग बांग्लादेशी है ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल है कुमिल्ला से, तो कुमिल्ला का लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो हम लोग अगरतला लोग ऐसे ही बोलते हैं, अगरतला स्पेशली। तो बिलोनी अगर आप जाएंगे तो नोआखाली, वो बंगाली का टाइप ही अलग हो गया। धर्मनगर में बोलेंगे तो बंगाली का टाइप ही अलग हो गया। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो आप लोग का जो खान पान है वो इधर के बंगाली से, वेस्ट बंगाल के बंगाली से, वेस्ट बंगाल का बंगाली से भी खूब थोड़ा सा अलग है। वेस्ट बंगाल का बंगाली भी दो किस्म का है, एक है बंगाल और एक है घोटी। तो एक्चुअली बंगाल जिसको बोलते हैं वो एक्चुअली माइग्रेटेड है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, ईस्ट बंगाल से जो आता है इसको बोलते हैं बंगाल। और जो ओरिजिनल बंगाल का है वो है घोटी। उनका भी खान पान रहन सहन में डिफरेंस है। लेकिन वही तो सेम हुआ, आप लोग भी तो बांग्लादेश से आए हैं। आया है हम लोग, इनका नज़र में हम लोग बंगाल है। हाँ, लेकिन त्रिपुरा में ऐसे नहीं, क्योंकि त्रिपुरा का बंगाली ज़्यादातर माइग्रेटेड है, तो उसका कोई वो नहीं है। बंगाल घोटी इधर नहीं है, बंगाल घोटी उधर है, तो बंगाल में। और मतलब खाने में और क्या अंतर है उधर के खाने में और इधर के उधर के खाने में? अंतर है, मतलब जैसे त्रिपुरा बंगाली का खाना और वेस्ट बंगाल बंगाली का खाना, उसमें क्या फर्क है? मान लीजिए यहाँ का हम लोगों का जो एरिया का है सुटकी सीदल, दैट इज ड्राई फिश, हम लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ये जो घोटी लोग वो दे डोंट लाइक, ये एक डिफरेंस हो गया। तो ये लोग ज़्यादा मिठाई खाता है, खाने में भी मिठाई खाते हैं, मतलब सब्जी जो पका रहा है उसमें भी मिठाई दे रहे हैं। लेकिन हमारा यहाँ उतना नहीं, एक्चुअली ये तो जगह का स्टाइल है इसका। लेकिन और बंगाल जो है माइग्रेटेड है वो ज़्यादातर वो क्या चिली लेता है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। ले लीजिए। और ये प्योर नहीं होने से और टेस्ट अच्छा नहीं होगा। तो हम लोग शायद अच्छा वहाँ से ओरिजिनल जहाँ होता है वहाँ से ही लिया है। बहुत बढ़िया गुड़, बहुत बढ़िया है, ये भी अच्छा लग रहा है। मिट्टी के बर्तन में जो पकाया है पिठा काफ़ी फ्लफी बना हुआ है। नारकेल गुड़ दिए पाती शाप्ता। सॉफ्ट भी है, स्पॉन्जी भी है, दोनों ही टेक्सचर इसमें, हल्का क्रिस्पीनेस भी है। और जब नारियल के साथ गुड़ मिलाते हैं तो अच्छा एक मतलब नारियल का जो अपना रस होता है वो गुड़ के साथ पूरा मिक्स होकर अच्छा फ्लेवर निकलता है। आइए अब ये टेस्ट करते हैं खीर वाला। खीर बोले तो ये बंगाली खीर है ना। पातिशाप्ता और पिठा और खीर खाए भी, मतलब पायस खाए भी, साथ में पैक करा के भी ले जा रहे हैं, इतना अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमारे थाली में? चटनी हुआ, ये चटनी, शुक्तो, धोकर डालना, हाँ धोकर डालना, माछेर माथा दिए डाल, दिस इज शाग, ओके लाल शाग बोलते हैं इसको, ये हो गया आलू भाजा, ये हो गया बेगुनी और गुलाब जामुन चटनी पापड़, दैट्स इट। दिस इज बासुंती पुलाव। लाल शाग, यस सर, लाल शाग। जब भी लाल साग खाता हूँ तो बोलता हूँ हम लोग घर पे बनाते हैं इसको, हाँ, काले चने के साथ, ओके, बहुत अच्छा लगता है। मैं लाल साग, हाँ, बहुत पसंद है, मतलब जो आपका हरा साग है, हाँ, उससे ज़्यादा मुझे, यस यस सर, पर्सनली सर मुझको भी।
नेक्स्ट आप इससे स्टार्ट कीजिए। नौकर डालना? हाँ, ये काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। माछिर माथा दिए डाल जो बोलते हैं ना इसको। चलिए नेक्स्ट पे फिश खा लिया। यस यस। सर इसको हम लोग बोलते हैं कोची पाठा, मतलब जो बेबी गोट्स होते हैं ना, हाँ उसका मीट से बनता है। सो इट्स लाइक वेरी सॉफ्ट, वो द फुल गोट, द स्मॉल गोट, इट वेज अराउंड 2.5 kgs बस। हाँ, सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस डिश, इट हैज़ टू बी सॉफ्ट एंड टेंडर। चिकन कोशा बोल रहे हैं? हाँ, चिकन कोशा। ये चटनी भी बहुत अलग वैरायटी की यहाँ पे खाई है हमने। अच्छा, त्रिपुरा में एक जगह पे खाया हमने आलू बुखारा वाला, प्लम वाला। हाँ, एक जगह पे खाया एप्पल वाला, एप्पल और मिक्स फ्रूट चटनी होते हैं, दे पुट एप्पल एंड आम शक्तो, आम शक्तो डाल के बनाया था। ये टमाटर चटनी है, ये टमाटर चटनी, दिस इज लाइक मोस्ट ट्रेडिशनल वन। सो मैं तो ये पूरा जो कोर्स वाइज कोर्स खाना है ना बंगाली क्यूजिन का, बहुत अच्छा लगता है। उसमें बताया आपको बिटरनेस से शुरुआत की, मीठे पे एंड किया। चलिए थैंक यू सौरभ दा, मुझे खाना बहुत अच्छा लगा और I'm so glad you enjoyed, thank you so much। और सबसे ज़्यादा तो मुझे मटन पसंद आया, और थैंक यू आपका भी, और थैंक यू करी क्लब का, जो आप इतने अच्छे से आपका जो क्लासिक त्रिपुरा बंगाली क्यूजिन है उसको आपने सर्व किया।